तो यारा इस कहानी में दो प्रधान किरदार है, एक अनवर अनस्टॉपेबल यानी मैं और दूसरे जो किरदार है उनका नाम है शाकिल आलम। देखिए किसी भी कहानी में किरदार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और शाकिल आलम के बारे में अगर जानना है तो आपको जाना पड़ेगा सन 2018 में जब मैं हायर सेकेंडरी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था, तब मेरा कॉलेज में मेरे जैसा दुबला पतला बाल स्पाइक किया हुआ एक लड़का आया था दूसरा कॉलेज से ट्रांसफर होके, और वही लड़का का नाम था शाकिल आलम। शाकिल क्लास में एक ऐसा छात्र हुआ करता था जैसे सोच लो कुछ दिन से क्लास में फिजिक्स का ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर चल रहा है, और फाइनली सर के लिए वो दिन आ गया कि जिस दिन सर गर्व के साथ कह रहे थे द चैप्टर हैज कम्प्लीटली फिनिश्ड, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। तब उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे शाकिल का एंट्री होता है और वो स्टैंड होके ये कहता है कि सर व्हाट इज ऑसिलेशन। वैसे चला हमारा 2018। उसके बाद सन 2019 में हमारा HS फाइनल की रिजल्ट आने के बाद शाकिल जिम जाना स्टार्ट किया और शाकिल को फॉलो करते हुए मैं भी जिम गया, और जिम जाने के बाद 3-4 महीने के जिम से मैंने शाकिल को करीब से जाना पहचाना समझा और देखा। उसके बाद ये जो दोस्ती ना वो दोस्ती बहुत ही बेहतरीन दोस्ती हो गई थी, ऐसा दोस्ती की जैसा आप मान लो कि लोग कहते हैं ना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और फिर जैसे कि आपको पता है सन 2020 में मैं गुवाहाटी चला आया और 10 नवंबर से पहले शाकिल से मिले हुए तकरीबन 2 साल हो गया था। हाँ जी, तो फिलहाल आप स्क्रीन पे जो लड़का देख रहे हो वही है वो शाकिल। हाँ, 2021 का शाकिल अपना भाई ने मेहनत करके थोड़ा बहुत झूले झूले बनाने में कामयाब हो गया है, लेकिन सवाल ये कि शाकिल गुवाहाटी पे क्यों आया। तो भैया देखिए, बहुत ही दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि बराक वैली पे कोई वन प्लस का सर्विस सेंटर नहीं है, और शाकिल का जो मोबाइल है ना वो है वन प्लस, और शाकिल को अपना मोबाइल वन प्लस सर्विस सेंटर पे ले जाना था, इसीलिए शाकिल को बराक वैली से गुवाहाटी तक आना पड़ा। फिलहाल हम जा रहे हैं गुवाहाटी GS रोड वन प्लस की सर्विस सेंटर की तरफ, तो आप भी चलिए साथ, देखते हैं क्या शाकिल का मोबाइल सही होता है या नहीं। क्या भाई मुझे देना? Take on this. No, I need only one. Okay. Why you want big? So Mr. Shakil Alam is taking his bite. He is the man who follow his diet. So say something about banana. He is the one to go bouncy. He can eat at least banana. Speak loudly, man. What are you doing? Stop talking when you are eating something. पेटीएम है भैया, क्या है? अरे भैया क्या देख रहे हो? भैया इधर जरा देखो ना, पतला है, थोड़ा देख के दो, बहुत पतला है भैया। सही है, सही है, कोई बात नहीं। अरे भाई लाइट में देखो ना, क्या पता नहीं। अरे अंदर देखो, उसका अंदर महात्मा गांधी है कि नहीं? बिजनेस कर रहे हो? 100 रुपया कौन है? अरे भैया क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा सच में है तो ले ले, मैं देता हूँ। अगर डाउट है तो यार मेरे पास है। अरे किसे बात कर रहे हो यार? आदमी नकली निकला रहा है। तो भैया कह रहे अच्छा, ठीक है ठीक है भैया। ये वीडियो पे कुछ कहना चाहोगे? इधर देखो भैया। अरे भैया ये हमारा 100 रुपया नहीं ले रहे, कार्रवाई होगी कोर्ट में। सो गाइज, अभी हम आए हैं लिटिल फ्लावर स्कूल की अपोजिट साइड में, एक जूस की सेंटर है, जेके जूस पॉइंट। भैया यहाँ पे बहुत ही अच्छा चाय मिलता है और बहुत ही अच्छे जूस भी है, आप देख सकते हो। तो हमने दो जूस का भाई, बिग मैन। सो मैं इधर आया, आने के बाद मुझे एक फैन मिला, वो कुछ कहना चाहते हैं। देखो भाई मैं आपका बिग फैन, बहुत दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज बहुत ही मेरा खुशकिस्मत है मैं आपसे मिल पाया, वो भी गुवाहाटी में। आने में।
और फाइनली एक बहुत ही अच्छा दिन स्पेंड करने के बाद मैं छोड़ने जा रहा हूँ अपना भाई को। हेलो शाकिब, आज के लिए तो तू छोड़ के जा रहा है भाई, कोई ये मिला सकता है कि अब ये कोशिश कर रहा है ये क्यूब को मिलाने के लिए लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। हम सोच रहे हैं कि आमिर खान साहब को कॉल करूं लेकिन फिलहाल तो उनका नंबर नहीं है हमारे पास, तो क्या करें आप ही बताओ। मैंने वो जो मेहमान नवाजी कहते हैं ना, वो कर पाया या नहीं? हाँ, बहुत ही अच्छा तरीके से तूने किया। Hear them all those places calling me to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn.